छत्तीसगढ़ में बीजेपी का नया हाईटेक दफ्तर बनकर तैयार है, लेकिन पार्टी थोड़ी डरी हुई है। इस चुनावी साल में उसे अंधविश्वास ने घेर लिया है, इसीलिए मुख्य द्वार बंधवाने के बाद अब वास्तु के हिसाब से पूजा पाठ किया जा रहा है। खासतौर से दक्षिण भारत से पंडितों को बुलाया गया। इस दफ्तर का रंग रूप देखकर लगता है मानो किसी मल्टीनेशनल कंपनी का कॉरपोरेट दफ्तर। हर कोना, हर फर्नीचर एकदम परफेक्ट, लेकिन बीजेपी को कुछ गड़बड़ लगता है। उसे डर है कि कहीं ये मॉडर्न ऑफिस चुनाव में धोखा ना दे दे, इसलिए यहाँ पूजा का दौर चल रहा है। पार्टी ने तमाम ज्योतिषियों और पंडितों से संपर्क किया, वास्तुविद से भी राय ली गई और लाखों में बने प्रवेश द्वार को बदल दिया। दक्षिण भारत से आए 6 पंडित विशेष पूजा करा रहे हैं। छोटे मोटे काम बाकी थे और आज इसकी बसंत पंचमी के पूर्व संध्या पर इसकी पूजा वूजा हो गई, वास्तु पूजा हो गई और इसका औपचारिक उद्घाटन के लिए आगे तारीख तय करेंगे। रायपुर का एकात्म परिसर बीजेपी के लिए हमेशा शुभ साबित हुआ है, और जिस छत्तीसगढ़ को कभी कांग्रेस का अभेद्य गढ़ माना जाता था, लेकिन एकात्म परिसर में बैठी बीजेपी ने उस किले को तोड़ दिया। अब पार्टी को इस नए दफ्तर पर गुरूर है, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना हाईटेक दफ्तर नहीं। बीजेपी वैसे ही काम करेगी जो जनसंघ से संस्कार मिला है। सुविधा हम इसलिए दे रहे हैं कि ताकि एक प्रदेश का नेतृत्व और योजनाओं के लिए हमारे सभी लोगों के लिए सुविधाजनक बने और कार्यकर्ता बेहतर तरीके से अपने कार्यान्वयन का क्रियान्वयन करेंगे। अगले महीने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के हाथों इस दफ्तर का उद्घाटन हो जाएगा, जिसके बाद यहीं बैठकर मिशन 2013 और 2014 के लिए रणनीति बने। इसमें 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में बड़े पदाधिकारियों के लिए चैम्बर है, होम थिएटर और मीटिंग हॉल में आरामदायक सोफे पर बैठकर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन देखने का इंतजाम है। शाइनिंग इंडिया की बात करने वाली बीजेपी चुनाव से पहले अपनी ब्रांडिंग कुछ नए अंदाज में करना है, और इस बार छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने यही किया है। देखते हैं कि हाईटेक दफ्तर का फील गुड ने चुनाव में बेहतर फील कराएगा क्या। रुपेश गुप्ता, सहारा समय, रायपुर।